आइए बेटा, हम लोग आज सवाल करने चल रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो शुरुआत के जो चैप्टर हैं, जैसे नॉमनक्लेचर है, आइसोमेरिज्म है, इन सब चैप्टर के सवाल को हम अभी नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर जी, रिएक्शन मैकेनिज्म, हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एसिड डेरिवेटिव, एल्किलाइड, इन सब के सवाल आप करवा दीजिए, 10 ईयर्स के प्रॉब्लम इनके करवा दीजिए। और जो जो सवाल हमें इम्पॉर्टेंट लगेगा, हम अपनी तरफ से भी कुछ क्वेश्चंस और करवा देंगे आपको। तो आप देखते हैं कि 5 साल 6 साल के जब आप सवाल करते हैं, तो उसके बाद सवाल रिपीटेड मिलने शुरू हो जाते हैं। हम तो खैर आपको सवाल करवाएंगे, और सवाल हम 2010, 2011, 2012, 2013 से नहीं चलेंगे, हम उल्टा चलेंगे 2020, 2019, 2018, 2017 में जो सवाल आए हुए होंगे। क्योंकि जब आप पीछे से चलते हैं, तो पीछे के सवाल बड़े अच्छे होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं, और उनके कर लेने से आपके कॉन्सेप्ट भी और क्लियर हो जाते हैं। तो इसीलिए हम सवाल 2020 से करना शुरू कर रहे हैं। 2001 से तो आप करते ही हैं, 2005 के बाद से तो आप करते ही हैं। हम बैक चलेंगे बेटा। तो हम लोग आज जो डिस्कशन करने चल रहे हैं क्वेश्चंस का, वो चैप्टर है हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसे आप जीओसी कहते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सब लोगों के पास हमारा असाइनमेंट होगा ही, बुकलेट होंगे, पीडीएफ के फॉर्म में हमने सबको दे ही दिया है बच्चों को। और आप लोग अपने अपने बुकलेट ओपन कर लें, और उन बुकलेट में 2020 के क्वेश्चंस, 180 नंबर सवाल है 2020 का, नीट का आया हुआ क्वेश्चन, हम लोग पीछे से सवाल करना शुरू कर रहे हैं बेटा। ओके, तो 2020 का नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन, जिसमें लिखा है 180 नंबर सवाल में, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-ब्रोमोपेंटेन टू फार्म पेंट 2-ईन इज, ये किस टाइप का रिएक्शन है? तो ध्यान दें, एक होता है कि सवाल का आंसर तुरंत बता के आगे निकल लेना, और दूसरा होता है कि सवाल को अच्छे से एक्सप्लेन करना। सवाल को हम कोशिश करेंगे अच्छे से उसको एक्सप्लेन करें, जहाँ आवश्यकता होगी, और जहाँ आपको लगेगा कि सवाल सिंपल है, उसको हम टिक लगा करके आगे निकल लेंगे, उस पर टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। तो कोशिश हमारी होगी कि सवाल को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 180 सवाल को हम लोग देखने चल रहे हैं। 2-ब्रोमोपेंटेन पहले हम बना लें जरा भैया, ये देखना भाई, ये है 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर हम लगा दे रहे हैं ब्रोमो, दिस इज 2-ब्रोमोपेंटेन। हम H नहीं लगाए हैं, सबको पता होगा H लगा ही होगा सब पर। कह रहे साहब, जब इसका हम कन्वर्जन करते हैं पेंट टू ईन में, ये देखना भैया, पेंट टू ईन में कन्वर्ट हुआ, पेंट टू ईन में कन्वर्ट हुआ कंपाउंड। अगर साफ ना दिख रहा तो चलिए फिर से इसको बना देते हैं भाई, चलिए ऐसे बना दे रहे हैं। CH3 CH BR CH2 1, 2, 3, 4 CH2 CH3, ये कंपाउंड कन्वर्ट हो रहा है CH3 CH CH CH2 CH3 में। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो कंपाउंड है, ये इसमें से एलिमिनेशन हो रहा है। किसका किसका एलिमिनेशन हो रहा बेटा? इस ब्रोमो ग्रुप का, और यहाँ से एक एच का, ये बीटा एच निकल रहा है, ये अल्फा है, ये भी बीटा है, ये बीटा वन है, ये बीटा टू है। तो इनडायरेक्ट अगर आप देखें तो बीटा वन से भी तो एच एलिमिनेट हो सकता था। अगर बीटा वन से एलिमिनेट होता तो देखिए कंपाउंड क्या बन करके आता बेटा, यहाँ पर हाय बेटा। तो इनडायरेक्ट अगर आप यहाँ पर देखें, अगर इस ब्रोमीन के साथ एच यहाँ से रिलीज होगा,
तो देखना ये बनेगा पेंट टू इन, और इस ब्रोमो के साथ यहाँ से अगर एच रिलीज होगा तो कंपाउंड देखिए बन करके आएगा। ये है पेंट वन इन, बात स्पष्ट हुआ। ये जो पेंट टू इन बना है ये इंटरनल इन है, ये जो कंपाउंड बना है सेटजेक रूल के अकॉर्डिंग बना है, और ये जो कंपाउंड बना है बेटा ये हाफमैन के अकॉर्डिंग बना है। हाफमैन के अकॉर्डिंग टर्मिनल इन बन रहे हैं और सेटजेक के अकॉर्डिंग इंटरनल इन बन रहा है। सबको ये बात पता है कि इंटरनल इन की स्टेबिलिटी टर्मिनल इन से ज़्यादा होती है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें उसी को, चाहे सेटजेफ आप कहें चाहे जेटसेफ कहें, रियल में नाम इसका जेटसेफ है, पुकारू नाम इसका सेटजेफ है, क्लियर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या क्या ऑप्शन इसमें करेक्ट हो सकते हैं। पहली बात कह रहे हैं साहब क्या ये बीटा एलिमिनेशन है, हाँ साहब ये बीटा एलिमिनेशन है। फॉलो जेटसेफ रूल, हाँ साहब फॉलो जेटसेफ रूल। क्या इसमें डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो रहा है, हाँ साहब इसमें डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो रहा है। डिहाइड्रेशन हो रहा है, नहीं साहब डिहाइड्रेशन नहीं हो रहा। पानी कहाँ इसमें निकल रहा है, हाइड्रोजन और हैलोजन ही तो रिलीज हो रहे हैं, बात स्पष्ट हुआ। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड करेक्ट, तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, बी। ओके तो लिख लीजिए जरा इसको भैया जल्दी से खट से। अगला क्वेश्चन देखें बेटा 179 नंबर क्वेश्चन, करें ए टर्सेरी ब्यूटिल कार्बोकैटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोकैटाइन बिकॉज ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये है टर्सेरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन, यह टर्सेरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन, क्लियर बात। यहाँ देखना इसके अल्फा पोजीशन पर H है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी बढ़ी हुई है, बांड नहीं चाहिए टूटेगा, यहाँ निगेटिव यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ये पूरा बांड टूट जाएगा, तो हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। इसी को अगर आप ऐसे लिखना चाहें या इसी को आप ऐसे लिखना चाहें भैया, ये देखना ये देखना भाई टर्सरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन है, इट्स क्लियर। यहाँ पर देखना तीन अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल कितने हैं 9 अल्फा हाइड्रोजन, एक और जोड़ दीजिए इसके 10 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे, क्लियर बात। तो अगर टर्सरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी सेकेंडरी ब्यूटाइल से ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा हो रहा होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, क्लियर। अब जरा 178 नंबर क्वेश्चन में आ जाए भैया, कह रहे इन द फॉलोइंग कंपाउंड, इन द फॉलोइंग कंपाउंड द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ विल बी। सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, यहाँ देखना ये सब कौन से वाले हैं, सब एथिल अमीन के डेरिवेटिव हैं सब। तो हम आपको बताए थे कि भैया एथिल अमीन के केस में ठीक है आर्डर आपको 231 पढ़ना है, और मेथिल अमीन के केस में आर्डर आपको 213 पढ़ना है। ये होता है बेसिक स्ट्रेंथ का आर्डर, स्पष्ट हुई बातें। और ये जो आप मीडियम देखते हैं ये एक्वस मीडियम में चलते हैं। अगर गैसियस फेस की बात की जाएगी तब टर्सेरी सेकेंडरी प्राइमरी दोनों ही केस में सेम आर्डर फॉलो होगा, बात स्पष्ट हुआ। अगर नहीं कुछ बताया गया है
तो आपको एक्वस ही मानकर चलना होगा बेटा। तो अब ज़रा ध्यान दीजिए, इसमें 213 कहाँ है, 231 कहाँ है, ये देखना सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, अमोनिया है और ये एथिल है, ये सेकेंडरी है, अमोनिया है, ये प्राइमरी मेथिल है। तो अब इसमें तो देखिए कहीं टर्सेरी दिया ही नहीं गया है, तो अगर हमें टर्सेरी नहीं दिया गया है तो जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा सबसे ज़्यादा सेकेंडरी हो जाएगा, फिर प्राइमरी हो जाएगा, फिर अमोनिया का हो जाएगा। भाई सेकेंडरी का हो गया, ठीक है, सेकेंडरी हो गया, टर्सेरी है नहीं, फिर प्राइमरी आ जाएगा, फिर उसके बाद अमोनिया आ जाएगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सी करेक्ट हो जाएगा बेटा इसमें, तो टर्सेरी इसमें है ही नहीं, इसलिए टर्सेरी का लफड़ा नहीं है। बात स्पष्ट हुआ। आइए और नीचे आते हैं भैया, 177 नंबर सवाल पर चलते हैं भाई, 177 नंबर क्वेश्चन पर कह रहे हैं द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल इन मीथेन इज। जरा ध्यान दीजिएगा, यही तो मीथेन है ना, इसमें टोटल कितने मोल एटम हैं, कार्बन का 1 मोल, हाइड्रोजन का 4 मोल और टोटल कितने मोल हो गए, 5 मोल। ठीक, अब अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन का परसेंट बताओ कितना होगा, ठीक है, तो किसी भी एटम का अगर परसेंट आप निकालते हैं, परसेंट एटम बाई मोल, तो ये फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम अपान टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इनटू क्या हो जाएगा, 100। ठीक, तो अब हमें कार्बन का परसेंट बाई मोल निकालना है, तो कार्बन के कितने मोल हैं इसमें, 1 मोल है, टोटल मोल कितना है, 5 है, टोटल मोल 5 है, टोटल मोल 5 हैं, और इनटू 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल के कितना आ जाएगा भैया, 20%। कितना परसेंट निकल के आया, 20%। इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लिख लीजिए भैया ज़रा जल्दी से, लिख लिया। अगला क्वेश्चन देखें भाई, 177 के बाद 176 देखें। देखिए अभी आपने देखा 2020 में, देखिए बेसिक स्ट्रेंथ का सवाल जेई में पूछा गया, ठीक है, एथिलमीन का। अब देखिए नीट 2019 में सवाल मेथिलमीन का पूछ लिया गया, तो जेई के अगर सवाल एग्ज़ाम में आए तो उनको ज़रूर आप करें, जिन जिन जेई भी एग्ज़ाम के सवाल हों उनको आप, जितने भी हों वो सब आप सारे कर डालिए बेटा। करें द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मेथिल सब्स्टिट्यूटेड अमीन इन एक्वस सॉल्यूशन। देखिए साफ साफ दिया गया एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि ये चीज़ जरूर ध्यान दे लीजिएगा कि बात हमसे वेपर फेज में पूछा जा रहा है या एक्वस फेज में पूछा जा रहा है। बात स्पष्ट हुआ, तो ज़रा देखें भैया ध्यान से। यहाँ हम अभी आपको जस्ट बताए हैं कि हम मेथिल अमीन का जब केस देखेंगे तो 213 नंबर फॉलो करते हैं। 213 का मतलब ये हुआ कि भैया बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हुआ सेकेंडरी अमीन का, फिर प्राइमरी अमीन का, फिर टर्सेरी अमीन का, और तब उसके बाद किसका नंबर आएगा, अमोनिया का। यही ऑर्डर इसमें हमें फॉलो करना है। अब आप ढूंढिए सेकेंडरी अमीन कहाँ है, ये देखना सेकेंडरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है, हालांकि सेकेंडरी अमीन में यहाँ NH होना चाहिए था, तो ये सेकेंडरी नहीं बल्कि ये टर्सेरी अमीन है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। अब देखना इसमें भैया सेकेंडरी अमीन ये हुआ, फिर उसके बाद प्राइमरी हुआ, फिर उसके बाद टर्सेरी हुआ। बात स्पष्ट, तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए। जहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म हम पढ़ाए हैं वहाँ पर बहुत डिटेल में थ्योरी वाले वीडियो में आप जाकर के देखिएगा, बहुत अच्छे से समझाया गया है कि ये ऑर्डर क्यों ऐसा होता है, क्यों इसका ऑर्डर इस तरह से निकल कर एबनॉर्मल ऑर्डर क्यों ये फॉलो करता है, तो पूरा रीजन वहाँ पर बेटा समझाया गया, पूरा टाइम दे करके बताया गया है। क्लियर बात। अब जरा आइए भैया 175 नंबर क्वेश्चन पर,
175 नंबर में करें, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, इनके बेसिसिटी का ऑर्डर आपको बताना है। हालांकि सवाल में देखिए ऑप्शंस कटे हुए हैं, क्योंकि ए बी सी डी चार ऑप्शंस हैं और इनके ऑर्डर हमें बताने हैं, तो ऑर्डर के लिए ऑप्शन हमारे पास है नहीं, तो या तो ऑप्शन में हम करेक्शन करें ऑर्डर जोड़ करके चार ऑप्शंस, या हम क्वेश्चंस में करेक्शन कर लें। तो क्वेश्चंस में आप करेक्शन कर लीजिएगा, सवाल को इस तरह से करेक्ट कर लीजिएगा बेटा इसको, कि द मैक्सिमम बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर आप इस ए वाले ऑप्शन को देखें तो यहाँ ये sp3 से अटैच है, लेकिन ये जो sp3 है ये sp2 से अटैच है। sp3 वाला कहीं ना कहीं इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा ताकि इसका लोन पेयर बाहर निकल सके। अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जहाँ पर ज़्यादा होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, उल्टा जो जितना जल्दी H को ट्रैप करे यानी अपने कैटायन को स्टेबलाइज करे उस बेस की बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर बात। अब इसमें जरा आप देखें, ये तो डायरेक्ट sp2 से ही अटैच है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप है। यहाँ देखना भैया, इधर देखिए sp3 है, ढकेल रहा होगा, इधर sp3 है ये भी ढकेल रहा होगा, तो इसके लोन पेयर जल्दी से जल्दी बाहर निकल कर आएंगे। तो नियमता देखा जाए चारों में इस डी की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन डी का नहीं निकलता, निकल कर किसके आता है, इसका गुआनिडीन टाइप स्ट्रक्चर इसका बन करके आता है। अगर आप इसमें प्रोटॉन एक्सेप्ट कराएं, ध्यान दीजिएगा, अगर ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो प्रोटॉन देखना यहीं पर आकर के लगेगा, तो जब प्रोटॉन यहाँ आकर के लगा तो देखना कंपाउंड क्या बन करके आया, NH2, ये है NH2+, ये हाईली स्टेबलाइज्ड होगा, ये कैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। आप कहेंगे गुरुजी वो कैसे, ये देखना जब इसका अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा तो बॉन्ड ऐसे टूटेगा और इसका जो लोन पेयर है वो अंदर आ जाएगा, तो सिचुएशन देखिए बन करके आएगा, ये NH2 हुआ, ये NH2+ हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो कैटायन बन करके, भाई प्रोटॉन भी ट्रैप करेगा, प्रोटॉन भी ट्रैप करेगा, प्रोटॉन भी ट्रैप करेंगे, प्रोटॉन भी ट्रैप करेंगे, लेकिन प्रोटॉन ट्रैप करने पर, एच ट्रैप करने के बाद जो कैटायन बन करके आएगा उसकी स्टेबिलिटी जिसकी ज़्यादा होगी वही बेस उतना जल्दी एच आयन ट्रैप करेगा। जैसे एसिड के केस में आप पढ़ते हो ना, उस एसिड की एसिडी की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है जिस एसिड का एनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी वो जल्दी से एचायन दे करके अपने एनायन को स्टेबलाइज कर लेता है। तो जिस एसिड का एनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, उतना जल्दी एचायन देने की टेंडेंसी होगी। उल्टा आ जाए, जिस बेस का प्रोटॉन लेने की टेंडेंसी जितना ज़्यादा होगी उस बेस की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। किस बेस की प्रोटॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, जिसका कैटायन ज़्यादा स्टेबल बनता होगा। भाई बेस क्या किया, प्रोटॉन ट्रैप किया और प्रोटॉन ट्रैप करके कैटायन में कन्वर्ट हुआ, जैसे एसिड प्रोटॉन लॉस किया और प्रोटॉन लॉस करके एनायन में कन्वर्ट हो गया। तो हम एसिड के एनायन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं और बेस के कैटायन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो जिस बेस का कैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उस बेस की बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। ओके आइए भैया, अब हम लोग जरा और पीछे चलते हैं। सवाल देखिए यहाँ क्या पूछ रहे हैं, 174 नंबर क्वेश्चन बेटा, करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। ये जो ऑर्डर बनाए गए हैं इनमें बेसिक स्ट्रेंथ ने, बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, अच्छा माइनस आई का पावर पूछ रहे हैं, माइनस आई का पावर सबसे ज़्यादा किसका निकल करके आएगा, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, एन एच टू ओ आर एफ, क्लियर बात, एन एच टू ओ आर एफ
NR2ORF क्लियर बात। तो इसमें देखिए दोनों ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, दोनों ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं भाई। देखिए ये ए बी सी और डी क्लियर बात। तो इसमें अगर आप देखें बेटा तो इसमें ऑप्शन ए भी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। 174 नंबर सवाल जो नीट 2018 में पूछा गया था, उस साल जो सवाल पूछे गए तो उसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट थे, दो दो ऑप्शन करेक्ट थे बेटा, एक ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं होगा। तो कह सकते हैं एक प्रकार से वो रॉन्ग क्वेश्चन था। अगर वन आंसर करेक्ट वाले सवाल में ऐसे सवाल मोर देन वन वाले पूछे जाएंगे तो सवाल रॉन्ग माना जाएगा। बात स्पष्ट हुआ? तो इसको जरा टिक लगा लीजिए भैया। आइए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा जरा हम लोग, 173 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट स्टेबल। इन चारों ऑप्शन को देख करके बताना है कि कौन कैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अब जरा आप ध्यान दें, अगर बेंजीन रिंग रहा होगा, ये देखना ये बेंजीन रिंग है, ओके, और सबको पता है कि ये जो नाइट्रो ग्रुप होता है ये माइनस एम ग्रुप होता है, ओके। रिएक्शन मैकेनिज्म वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था, जहाँ पर हम मीजोमेरिक इफेक्ट आपको पढ़ाए थे बेटा, कि प्लस एम इफेक्ट अपने अर्थो और पैरा पर निगेटिव चार्ज क्रिएट करता है, जबकि माइनस एम इफेक्ट अपने अर्थो और पैरा पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है। ध्यान से आप देखें, क्या यहाँ अर्थो और पैरा पर पॉजिटिव चार्ज है? नहीं साहब। क्या यहाँ पर अर्थो और पैरा पर पॉजिटिव चार्ज है? नहीं साहब। मेटा पर पॉजिटिव चार्ज है, जो कि होना नहीं चाहिए, क्लियर। यहाँ पर भी देखिए नहीं है। यहाँ आप देखिए नाइट्रो के पैरा पोजिशन पर पॉजिटिव चार्ज है? हाँ साहब है, बिल्कुल है। तो यही कैटायन क्या होगा? स्टेबल होगा। पूरी इसकी पिक्चर बनाई जा सकती है, स्ट्रक्चर आप बना के एक बार चेक कर लीजिएगा। बात स्पष्ट हो बेटा? आइए जरा आगे आए भाई, 172 नंबर क्वेश्चन में जरा आ जाए। सवाल पूछ रहे हैं कि साहब द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स फॉर द SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में हमको ये देखना है, कि किस मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा SN1 रिएक्शन के प्रति, क्लियर बात। अब हमको इन तीनों में कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी देखनी होगी, क्योंकि SN1 रिएक्शन कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट के थ्रू जाता है, जबकि SN2 रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोसीड करता है। तो चुपचाप हमको जब भी बात SN1 की होगी तो हमें कंपाउंड के अंदर एल्किल हैलाइड एल्कोहल किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी चेक करनी होगी बेटा। तो आइए जरा हम लोग चेक करते हैं भाई किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी कम होगी। देखिए जरा भाई स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा और किसकी कम होगी, ये देखें भाई। करें द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एल्किल हैलाइड्स फॉर SN1 रिएक्शन। तो इसमें चेक कर लीजिए भैया कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज़्यादा होगी। आइए इनका जरा हम कोलाइड बाहर करते हैं, तो देखना कार्बोनियम आयन कौन सा बन करके आएगा, CH3, CH2, CH3। ये पहले वाले का कार्बोनियम आयन हुआ, दूसरे का कार्बोनियम आयन ही बगल में देख लें भाई, ये प्राइमरी कार्बोनियम आयन हुआ, ये सेकेंडरी कार्बोनियम आयन हुआ, और ये देखना जरा भैया इनका Cl हटाओ यहाँ से, ये कार्बोनियम आयन है पैरा मिथॉक्सी बेंजाइल कार्बोनियम आयन। खुद आप स्वयं देख करके बताइए कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन कौन सा होगा, थर्ड। उससे कम किसका होगा, फर्स्ट।
और सबसे कम किसका होगा? सेकंड। तो देखिए थर्ड, फर्स्ट और सेकंड, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 172 के बाद आइए भाई, इधर आ जाइए जरा, 171 नंबर सवाल देखें, 171 नंबर क्वेश्चन देखें। सवाल में क्या कह रहे हैं भैया 171 में? कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो पहले तो आप ये देख लें, लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड की बात हो रही है, नॉन रेजोनेंस वाले मॉलिक्यूल की बात नहीं हो रही, जिनमें रेजोनेंस हो रहा है उनकी बात हो रही है। तो रेजोनेंस किस में हो रहा है? डी में हो रहा है, बी में हो रहा है और ए में हो रहा है। ए में कैसे हो रहा होगा ये देखना, एक्स वाई जेड, यहाँ हो रहा है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ऐसे ऐसे चल रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे चल रहा है, फिर ये ऐसे जा रहा है। इसमें ओपन कॉन्जुगेशन है और इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। साइक्लिक कॉन्जुगेटेड वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू ओपन कॉन्जुगेटेड से। तो अब अगर इन तीनों ही मॉलिक्यूल के द्वारा रेजोनेंस हो रहा है तो इन तीनों मॉलिक्यूल में लीस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड मॉलिक्यूल कौन सा होगा? ए। तो 171 का ए करेक्ट होगा भैया। आइए जरा 170 वाले क्वेश्चंस पर जरा अटैक करते हैं हम लोग, 2017 पे देखिए नीट पे आ गए हैं। व्हिच वन ऑफ द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड, इन चारों में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, 170 का सी करेक्ट हो जाएगा। क्यों भैया सी करेक्ट हुआ? ये देखना, ये देखना, ये देखना, माइनस आई माइनस एम, माइनस आई माइनस एम, माइनस आई माइनस एम, तो ये बहुत तेज़ी से अपने एच को रिलीज करके अपने एनायन को हाईली क्या कर लेगा? स्टेबलाइज्ड कर लेगा बेटा, स्टेबलाइज्ड कर लेगा। तो जिस एसिड का एनायन जितना ही ज़्यादा स्टेबल होगा उस एसिड के द्वारा एच आयन उतनी ही जल्दी रिलीज किया जाएगा। जो एसिड जितना जल्दी एच आयन रिलीज करेगा उस एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट के ए वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। जिस एसिड की के ए वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा मानी जाएगी। बात स्पष्ट? अगला एग्जाम्पल पे जरा आ जाए भाई, 170 के बाद ये देखना, 169 नंबर सवाल। सवाल में क्या कह रहे हैं? कह रहे द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल इज, कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं या इलेक्ट्रोफाइल के रिस्पेक्ट में कौन स्टेटमेंट इन चारों में करेक्ट है। पढ़िए जरा पहला स्टेटमेंट, क्या कह रहे हैं भैया पहले स्टेटमेंट में? कह रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल इज ए निगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, ठीक होते हैं निगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, एंड कैन फॉर्म अ बॉन्ड बाई एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन अदर इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल से थोड़ी एग्जाम इलेक्ट्रॉन लेगा, वो तो न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन लेगा ना, या न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्डिंग करेगा ना। तो ये तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, इसमें आधा तो सही था लेकिन आधा स्टेटमेंट गलत हो गया, तो पूरा स्टेटमेंट ही गलत माना जाएगा। सेकंड में क्या करें? करें इलेक्ट्रोफाइल आर जनरली न्यूट्रल स्पीसीज। नहीं साहब, न्यूट्रल स्पीसीज भी होते हैं, निगेटिवली चार्ज भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बात किसकी कर रहे हैं? न्यूट्रल स्पीसीज। एंड कैन फॉर्म अ बॉन्ड बाई एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, नीचे का स्टेटमेंट करेक्ट है, ऊपर का भी स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन क्या ये कंप्लीट स्टेटमेंट है? इलेक्ट्रोफाइल क्या न्यूट्रल ही अक्सर होते हैं? नहीं साहब, पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं। नीचे वाले स्टेटमेंट में आ जाइए, इसका मतलब कि बी करेक्ट हो सकता है, लेकिन बी को करेक्ट करने से पहले हम और भी ऑप्शंस को जरा देख लें, गौर कर लें। सी वाले ऑप्शन पे आइए, कह रहे साहब इलेक्ट्रोफाइल कैन बी आइदर न्यूट्रल आर पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज एंड कैन फॉर्म अ बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म फ्रॉम अ न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए, अगर ये सी ऑप्शन ना होता तो हम बी को करेक्ट कह सकते थे, लेकिन सी ज़्यादा करेक्ट है इन कंपेरिजन टू बी के,
तो इन चारों में अगर देखा जाए, डी वाला तो गलत है, डी इसलिए गलत है, देखिए इलेक्ट्रोफाइल इज निगेटिवली चार्ज, तो निगेटिवली चार्ज कहाँ होते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल तो पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रल होते हैं, तो डी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। तो अब इसमें मोस्ट करेक्ट आंसर कौन सा होगा बेटा, सी वाला होगा। हाँ, अगर सी ना होता, कुछ और स्टेटमेंट सी होता, तब हम करेक्ट बी मानकर चल रहे होते। तो कभी कभी सवाल का जो आंसर होता है वो उनके ऑप्शंस पर भी डिपेंड करता है। बात स्पष्ट हुआ? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया हम लोग। 169 के बाद 168 नंबर क्वेश्चन पर जरा गौर फरमाते हैं बेटा हम लोग, देखें जरा। कह रहे द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इच, हमको एसिडिटी का ऑर्डर बताना है चारों ऑप्शंस में से चूज करके, अरेंज करना है इनको। अब जरा ध्यान दें, जब आपको बेंजोइक एसिड पढ़ाया जा रहा था, ये सब देखिए, बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, ये भी बेंजोइक एसिड है। अब इसमें दोनों अर्थों पर हाइड्रोक्सी लगे हैं, इसमें अर्थों पर एक पे हाइड्रोक्सी लगा, इस पर मेटा हाइड्रोक्सी लगा, और यहाँ पर पैरा पर हाइड्रोक्सी लगे हैं। अब अगर आप इस OH की बात करें तो ये प्लस एम ग्रुप भी है, माइनस आई भी है, माइनस आई के द्वारा इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा और प्लस एम के द्वारा इलेक्ट्रॉन ढकेल रहा होगा। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ढकेल रहा होगा उतने इसके एनायन को डीस्टेबलाइज कर रहा होगा। तो इन चारों में अगर देखा जाए तो डी का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा, डी मतलब फोर्थ वाले का। अब इसमें देखिए फोर्थ का किस में कम है, ए में भी कम है और बी में भी कम है। अब सबसे ज़्यादा किसकी निकल करके आएगा भैया, ए वाले का निकल करके आएगा। क्यों ए का निकल करके आएगा, हमने आपको बताया था कि अर्थो डेरिवेटिव बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ एक्सेप्शनली सबसे ज़्यादा निकल करके आता है, इसी को हम लोग आर्थो इफेक्ट कहते थे। तो आर्थो पोजिशन पर देखिए, यहाँ पर भी OH लगा हुआ लेकिन सिंगल, तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट का हुआ, फिर उससे कम सेकंड का हुआ, और फोर्थ का सबसे कम निकल करके आ रहा। तो भैया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात स्पष्ट हुआ, चीज़ें क्लियर हुई, जरा आगे आए भैया। 168 के बाद 167 नंबर क्वेश्चंस पर अटैक करते हैं हम लोग भैया, ये देखना इसमें क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कंसीडर द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन यूजिंग मिक्स्ड कंसंट्रेट H2SO4 एंड HNO3 इफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ KHSO4 इज एडेड टू द मिक्सचर द रेट ऑफ नाइट्रेशन विल बी। बात समझिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पर हम बात यहीं बगल में ही कर लेते हैं। जैसे ये है, छोटा छोटा बना के समझा देते हैं, जैसे ये है OH और ये है HNO3, ये दोनों पहले आपस में रिएक्शन करते हैं। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे बेटा तो ये यहाँ से HN निकलता है और यहीं बगल में इसी के लोन पेयर पे क्या कर देता है, ये अटैक कर देता है, ये इलेक्ट्रॉन इसको H को पकड़ा देता है, यानी कह सकते हैं HN यहीं बगल में अटैक कर देता है। जब इस OH पर अटैक करता है तो बॉन्ड नहीं जाता है टूट, इस पर निगेटिव आता है, इस पर क्या आता है पॉजिटिव, यहाँ आता है निगेटिव, ठीक है। ये देखना जनरेट क्या हुआ, नाइट्रोनियम आयन जनरेट हुआ, HSO4 माइनस जनरेट हुआ, ठीक है, और यहीं पर वाटर भी बन रहा होगा, ठीक। ध्यान दीजिएगा, अगर हम कुछ ऐसा करें कि HSO4 यहाँ से हटाते जाएं तो रिएक्शन कहाँ भागता चला जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बोलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, ठीक। अब वो कह रहे हैं कि साहब अगर हम सिस्टम में KHSO4 यहाँ ऐड कर दें, KHSO4, ये देखना रिएक्शन रिवर्जुअल चल रहा है, ठीक है। अगर हम KHSO4 ऐड कर दें तो जब हम सिस्टम में HSO4 माइनस ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट साइड क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन कहाँ भागना शुरू कर देगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, कहाँ भागेगा भैया, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो जरा बताइए क्या नाइट्रोनियम आयन और ज़्यादा से ज़्यादा बन रहा है HSO4 माइनस डालने पर या घट जा रहा है, आपके हिसाब HSO4 कहाँ से आ गया, अरे KHSO4 कहने साहब अगर इसमें मिक्सचर में डाल दिया जाए। बात स्पष्ट हुआ, तो रिएक्शन आगे भी जा रहा था, पीछे भी जा रहा था, आगे भी जा रहा था, पीछे भी जा रहा था, रिवर्सिबल रिएक्शन था। तो जब हम प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन,
यानी रिएक्शन और फास्ट होगा कि और स्लो हो जाएगा, और स्लो हो जाएगा, तो नाइट्रोनियमाइन का जनरेशन ही बहुत कम होगा। जाहिर सी बात है, अगर नाइट्रोनियमाइन का जनरेशन कम होगा तो कम नाइट्रोनियमाइन रिंग पर अटैक करेंगे और कम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो रिएक्शन फास्ट नहीं हो गया बल्कि और स्लो हो गया। वही बात देखिए यहाँ कह रहे हैं, कह रहे कंसीडर द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन यूजिंग मिक्स्ड कंसंट्रेट H2SO4 एंड HNO3। इफ़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ KHSO4 इज एडेड टू द मिक्सचर द रेट ऑफ नाइट्रेशन विल बी, तो रेट ऑफ नाइट्रेशन विल बी स्लोअर, धीमा हो जाएगा बेटा। बात स्पष्ट हुआ बेटा? आइए जरा और आगे चलते हैं भैया। 161 नंबर सवाल पर धावा बोलते हैं हम लोग भैया, 161 नंबर क्वेश्चन पर देखिए जरा ये क्या कह रहे हैं भाई। कह रहे हैं फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, निम्नलिखित रिएक्शन को आप देखिए, ठीक है। अब इस रिएक्शन को देखना है और देख करके इसमें बताना है कि कौन एडिशन रिएक्शन है इसमें, भैया कौन एडिशन रिएक्शन है। अच्छा, रिएक्शन कंप्लीट नहीं दिए गए हैं, चलिए इसमें हम करेक्शन करा देते हैं सवाल को। आई बेटा, हाँ ये सवाल में करेक्शन है, करेक्शन ये है, कह रहे साहब फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं भैया, इसमें स्टेटमेंट। अब भैया कटो इसको, ये देखिए फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन व्हिच इज एडिशन रिएक्शन, निम्नलिखित रिएक्शन में कौन एडिशन रिएक्शन है। अब जरा आप ध्यान दें, यहां देखिए अल्कोहलिक KOH लगा, ब्रोमीन हटा, यहां से हटा, एल्कीन बन गया, तो रिएक्शन कौन सा भैया, ये यहीं लिख दे रहे हैं, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। यहाँ देखना BR था, ये एक्वस KOH, यहाँ OH लग गया, ये कौन सा रिएक्शन भैया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। और यहाँ देखना बांड टूटा, दो BR आ करके लग गया, ये कौन सा रिएक्शन है भैया, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। बात स्पष्ट हुआ? आइए भाई 161 के बाद 160 नंबर सवाल देखें। कह रहे द नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर द एन, इस एन के कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, क्लियर बात। तो भैया इसके 9 स्ट्रक्चर बनेंगे, क्लासरूम में हम इसको बना चुके हैं, हालांकि ये लास्ट ईयर बनाया गया था क्लासरूम में, 9 स्ट्रक्चर बनेंगे। आप इसको बनाएंगे कैसे, हम आपको तरीका बता दे रहे हैं, आप बना के हमको सेंड करिएगा, और नहीं आप बना पाएंगे तो हम आपको बना करके भेज देते हैं, ठीक है। यहाँ जरा देखना, जब आप इसको NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से H निकल जाएगा, ठीक, कन्वर्ट होगा जो नेपथाल था नेपथॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ओके। तो इसके 9 स्ट्रक्चर बनेंगे भैया, 9 स्ट्रक्चर बनेंगे कैसे, एक्स वाई जेड यहाँ से फिर लीजिएगा, एक्स वाई जेड फिर यहाँ से लीजिएगा, एक्स वाई जेड फिर यहाँ से लीजिएगा। चलिए हम आपको एक मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप खुद से बनाइए, फिर अभी हम आप खुद ही दर्शन करा रहे हैं, ठीक है। बन गया बेटा, सब लोग बना लिए हैं, नहीं बना पाए, चलिए भाई इसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, इसमें देख लीजिए आंसर कितना दे रहे हैं लोग, कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 160 का दे रहे हैं सी, इसमें 9 रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसके बनेंगे, ठीक है। जब यहाँ से NaOH से रिएक्शन करेगा तो ये जो N कंपाउंड बन रहा होगा, ये देखिए ये बन रहा आ रहा होगा बेटा, ये कंपाउंड बन करके आ रहा होगा,
यहाँ सोडियम आयन से लगा होगा, सोडियम बीटा नेप्थाऑक्साइड, ये अल्फा होता है ये बीटा होते हैं, बीटा नेप्थाल है, ठीक है। इसी नेप्थाऑक्साइड आयन का आपको बताना है कि कितने इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, तो नौ स्ट्रक्चर इसके बनेंगे। आइए जरा हम लोग देखते हैं भैया नौ स्ट्रक्चर कैसे इसके बन रहे हैं भाई। ये इस पर आ जाते हैं हम लोग पहले बोर्ड पर, आइए भाई वो व्हाइट बोर्ड पे हम लोग आते हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिख रहा बेटा, देखिए जरा, दिख रहा बेटा पूरा, ये देखना, ये यही तो मॉलिक्यूल था, ये पहला स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर तो यही है भाई, ओके। इसका दूसरा स्ट्रक्चर देखिए हम लोग बनाते हैं, इसमें होगा क्या, ये लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ये करे क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये बांड इधर टूटेगा, ये बांड इधर टूटेगा, देखिए सिचुएशन बन करके आएगा, ये देखना यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, और जब ये बांड टूटेगा नेगेटिव, तो यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव क्या कर लेंगे, बांड बनाएंगे, ये जैसे था वैसे इसको रहने दीजिए। ये देखना दूसरा स्ट्रक्चर बन करके आया इसका, क्लियर। इसका तीसरा स्ट्रक्चर जरा देखना भैया, अगले स्टेप में होगा क्या, ये अंदर आएगा, ये बांड यहाँ टूटेगा, जब यहाँ नेगेटिव होगा और इधर पॉजिटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या कर लेंगे, बांड बना लेंगे, ये देखना। ये देखना यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव आया, ये दोनों आपस में क्या कर लिए, बांड बनाए, ये जैसे था इसको वैसे रहने दीजिए, ये भी ऐसे रहने दीजिए, और ये ऐसे देखिए, ये कौन सा स्ट्रक्चर बना, तीसरा स्ट्रक्चर बना भैया इसका। अगला स्ट्रक्चर देखें इसका, अब इसको आप चाहे तो इधर ले लें और चाहे इधर ले लें, तो चलिए पहले में इधर ही ले लेते हैं, ठीक है। ये बांड ऐसे टूट जाएगा, यहाँ देखना बांड बना, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, ये ऐसे ही थे, ये ऐसे थे, ऐसे और ऐसे, ये देखना चौथा स्ट्रक्चर इसका बना बेटा, ठीक है। इसका पांचवा स्ट्रक्चर देखने जरा, जब ये यहाँ आएगा ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये देखना भैया निगेटिव, यहाँ 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 यहाँ, ये पांचवा स्ट्रक्चर इसका बन करके आया बेटा, ठीक है। अगर आप इसको इस तरफ ना ले जाते इस रिंग में, इस रिंग में ले आते तब देखना कैसे होता, जब आप इसको इस रिंग में लाते देखना ये तो ऐसे ही थे, ये बांड ऐसे ही था, ये यहाँ था, जब आप इसको अंदर ले आते तो ये बांड इधर टूटता, तो यहाँ पे क्या आ जाता नेगेटिव, और यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव क्या कर लेते, बांड बना लेते, क्लियर। ये इसका छठवां स्ट्रक्चर बन करके आया, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है अंदर जाएगा, ये बांड यहाँ शिफ्ट होकर के आएगा, ये देखना, ठीक गए, ऐसे थे, ये ऐसे थे, ये ऐसे थे, यहाँ डबल बांड आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये
सातवां स्ट्रक्चर बन करके आया। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा, ये अंदर जाएगा और ये बांड इधर टूट जाएगा। ये देखना, थोड़ा साफ बना दें। ये बना, तो यहाँ आ जाएगा निगेटिव चार्ज, ये भी ऐसे ही हैं, ये ऐसे हैं, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये देखना, ये निकल के आया, ये बना आठवां स्ट्रक्चर। अगले स्टेप में क्या होगा, ये अंदर जाएगा और ये इधर भाग आएंगे, इनका जो नौवां स्ट्रक्चर बन करके आएगा। ये देखना बेटा, यहाँ निगेटिव लगा, यहाँ देखिए डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड है। यहाँ देखना, ये और ये इसका नौवां स्ट्रक्चर है। क्लियर बात? अब देखिए कितने स्ट्रक्चर इसके बन करके आए, एक दो तीन चार पाँच, और यहाँ से फिर हम ले आए छः सात आठ और ये नौ, नाइन स्ट्रक्चर नेप्थाक्साइड आयन के बनकर के आए। तो सवाल अगर पूछा जाए कि नेप्थाक्साइड आयन कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएगा, तो आप इसे सीधे इसको रट लें, याद कर लें, कितने बनेंगे इसके, नाइन रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसके बनकर के आएंगे। तो इसको ज़रा बेटा अपनी कापी माप जल्दी से बना लीजिए भैया, बना लीजिए बेटा फट से इसको अपनी कापी। आई बेटा, तो बना तो लिए ही होंगे आप लोग। आई हम लोग फिर सवाल पे आते हैं भाई, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यही तो था ना भाई कि इसके कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे। आई 160 के बाद हम लोग 159 पे आ जाते हैं, 159 पर। 2015 में दोबारा AIPMT की एग्ज़ाम हुआ था, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें करें, इन एन SN1 रिएक्शन ऑन कायरल सेंटर देयर इज, अब जरा बताइए, जब हम लोग SN2 रिएक्शन पढ़ रहे थे तो आपको बताया गया था कि उसमें ओनली वन स्टीरियो आइसोमर बनते हैं, ओनली वन स्टीरियो कंपाउंड बनते हैं। अगर D है तो L में कन्वर्ट हो जाता है, L है तो D में कन्वर्ट हो जाता है, पूरा इन्वर्जन हो जाता है। जबकि SN1 रिएक्शन में आप देखते थे दो प्रोडक्ट बनते थे, एक इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता था और दूसरा रिटेंशन प्रोडक्ट बनता था। बात स्पष्ट हुआ? इन्वर्जन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिटेंशन प्रोडक्ट से स्लाइटली ज़्यादा होता था, कहने का मतलब कि 100% रेसमाइजेशन नहीं होता था, पार्शियल रेसमाइजेशन उसको बोलते हैं। जब कंप्लीट रेसमाइजेशन ना हो तो उसको पार्शियल रेसमाइजेशन कहते हैं। इस बात को हम SN1 SN2 जहाँ पढ़ाए थे रिएक्शन मैकेनिज्म में लास्ट में, वहाँ बताए भी हैं, उस वीडियो को आप देख करके देख लीजिएगा बेटा। तो 159 के साथ, इन SN1 रिएक्शन द कायरल ऑन कायरल सेंटर देयर इज, अब इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 100% रिटेंशन नहीं साहब, 100% इन्वर्जन नहीं साहब, 100% रिस्माइजेशन नहीं साहब, इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन, इन्वर्जन की मात्रा रिटेंशन वाले से थोड़ी ज़्यादा होती, लीडिंग टू पार्शियल रिस्माइजेशन। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, ये डी आंसर करेक्ट हो जाएगा भैया। तो 159 के बाद आइए जरा 158 पे आ जाते हैं। कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन इसमें करेक्ट नहीं है, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट्स। ठीक है भैया, सही है भाई, न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले साइट पर, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले साइट पर अटैक करता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, तभी तो इसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, बिल्कुल करेक्ट, इलेक्ट्रोफाइल्स आर न्यूक्लियस सीकिंग, न्यूक्लियोफाइल्स इज ए लुइस एसिड, गलत, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, लुइस बेस होता है, नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं ना न्यूक्लियोफाइल, जब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगा तो उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और न्यूक्लियोफाइल इज लुइस एसिड, तो ये गलत हो गया। अमोनिया इज न्यूक्लियोफाइल, करेक्ट है। तो इसमें कह रहा गलत कौन है, तो भैया जो गलत वाला है उसी पर हम लोगों को टिक लगाता है, कह रहा स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो इसमें सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, 158 के बाद 157 पे आ जाए।
गिवन द इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ द ऑफ दीज कंपाउंड्स विल बी इन ऑर्डर एस। इन तीनों में देख करके बताना है कि किसका हाइड्रोजनेशन सबसे कम और किसका हाइड्रोजनेशन सबसे ज़्यादा होगा। तो हाइड्रोजनेशन उसका सबसे कम होगा जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। ज़रा बताइए, ये जो मॉलिक्यूल है भैया मेस्टाइलिन, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो जल्दी हाइड्रोजनेट नहीं करेगा, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम होगा। देखिए फर्स्ट का सबसे कम किस में है, पहले ए में है और बी में है, और थर्ड की सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ भी देखिए रेजोनेंस हो रहा है XYZ, देखिए यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो इन तीनों में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फर्स्ट का होगा, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, सॉरी थर्ड का, फिर सेकंड का, फिर फर्स्ट का, थर्ड का, फिर सेकंड का, फिर फर्स्ट का। तो इसमें ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। बात स्पष्ट हुआ? आइए भैया ज़रा 156 पे आ जाएं ज़रा, 150 ठीक हुआ, 156 में ज़रा देख लें भैया। कह रहे साहब कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड, निम्नलिखित कंपाउंड को आप कंसीडर करें, कंसीडर करिए फॉलोइंग कंपाउंड को, ठीक। कह रहे साहब हाइपर कॉन्जुगेशन अकर इन, तो हमें इन तीनों कंपाउंड को देखकर बताना कि किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। ज़रा बताइए क्या यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन होगा? नहीं साहब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ बेंजीन रिंग लगे हैं, ये देखना, ऐसे यहाँ पर भी लगा होगा, ऐसे यहाँ पर भी लगा होगा, ये देखना, क्या इसके पास अल्फा एच है? नहीं, अल्फा एच है? नहीं, अल्फा एच है? नहीं। तो इसका मतलब कि ये वाला जो कंपाउंड है ये हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं कॉज कर रहा है। आप ज़रा बताइए क्या यहाँ कहीं अल्फा एच है? इसके पास अल्फा एच है? नहीं, अल्फा एच है? नहीं। तो ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं शो कर रहा है, ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं शो कर रहा है। यहाँ देखना, इधर से तो नहीं होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, हाँ इसके पास अल्फा एच है, एक एच है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा होगा। तो इसमें ऑप्शन जो करेक्ट होगा 156 का बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें 156 में सही कर लीजिएगा, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भैया इसमें। ये ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा सही। स्पष्ट हुई बातें? आइए ज़रा 156 के बाद 155 नंबर सवाल पे ज़रा आ जाएं भैया हम लोग। कह रहे इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द, ये इसको सही कर लीजिए भैया, इट देन नहीं है, द इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द सी सी एल बॉन्ड आयोनाइजेशन शैल गिव मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। मतलब कि किसका सी सी एल का बॉन्ड अगर टूटेगा तो कौन स्टेबल कार्बोनियम आयन जनरेट करेगा? ये भी टूटेगा, ठीक है, ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ ध्यान दें तो यहाँ नाइट्रो ग्रुप लगा है माइनस आई, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, ठीक है, यहाँ दो तरफ से प्लस आई ग्रुप लगे हैं, नो डाउट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे होंगे। यहाँ पर बेंजाइल कार्बोनियम आयन निकल करके आएगा और यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन निकल करके आएगा। हम आपको बता चुके हैं कि टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी बेंजाइल कार्बोनियम आयन से ज़्यादा होती है। बात स्पष्ट हुआ? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए, 155 का ए सही कर लीजिएगा, शायद यहाँ पर आंसर गलत दिया गया है, हाँ देखिए गलत दिया गया है, तो 155 का इसको ए कर लीजिएगा बेटा अपने बुकलेट में, इसको ए बना लीजिएगा, ऑप्शन करेक्ट हुआ। आप जरा आ जाएं नीचे आ जाएं भैया, 155 के बजाय 154 में आ जाएं, इसमें भी आंसर सही कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें भी आंसर सही कर लीजिएगा। द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो गिनिए कितने पाई बॉन्ड हैं, 1, 2, 3 और ये 4, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। कोई लड़ाई इसमें नहीं थी, आसान सवाल था इसलिए जल्दी से आगे बढ़ जा रहे हैं।
अब 153 नंबर सवाल में देखें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट करेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट फॉर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस टू टेक प्लेस। आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इसके जवाब दिए गए हैं। तो अब यहाँ पर देखें आप, यही तो है ना, CH3 इलेक्ट्रॉन ढकेलिंग ग्रुप, ये बांड इधर टूट रहा होगा और ये CCl का बांड इधर टूट रहा होगा, तो इसमें सबसे सही तरीका बांड टूटने का यही निकल करके आएगा। भाई Cl खींच रहा होगा तो इधर बांड टूटा, इधर बांड टूटे, ये ढकेल रहा होगा तभी तो बांड इधर ब्रेक कर रहे होंगे। बात स्पष्ट हुआ, आप थोड़ा स्ट्रक्चर सही बना लें ऐसे, CH3 CH CH CH2 Cl। अभी देखना माइनस आई ग्रुप है और ये प्लस आई ग्रुप, ये ढकेल रहा होगा, ये खींच रहा होगा, देखना बांड ऐसे टूटा, ये ऐसे टूट रहे होंगे। कुछ स्पष्ट हुआ, तो इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा। आइए 153 के बाद फिर एक बार हम लोग 152 नंबर सवाल पे आ जाएं। ठीक, कह रहे आइसोमर ऑफ हेक्सेन बेस्ड ऑन दियर ब्रांचिंग कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 डिस्टिंक्ट क्लासेस एज शोन इन द फिगर। फिगर में जो दिखाया गया है इनको देख करके आपको बताना है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ दियर बॉइलिंग पॉइंट इच, इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या निकल कर आएगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा भैया। कह रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। ओके, अगर इसमें आप देखें तो जो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रख रहा होगा, जितने ज़्यादा ब्रांचिंग होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतनी ही कम निकल करके आएगी। बात स्पष्ट हुआ, तो अगर आप इसमें ऑप्शन देखें तो ए वाले ऑप्शन में अगर आप देखें, कह रहे साहब फर्स्ट की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगी, तो गलत हो जाएगा क्योंकि ब्रांचिंग होने से बॉइलिंग पॉइंट घटती जाती है, सरफेस एरिया छोटा हो जाता है, मालिक्यूल की वोलेटाइल प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। अगर आप बी ऑप्शन में देखें, कह रहे साहब थर्ड की सबसे ज़्यादा होगी, बिल्कुल करेक्ट, अनब्रांच्ड है, फिर सेकंड की उससे कम होगी, थोड़ा एक ब्रांच हुआ, फिर फर्स्ट की सबसे कम होगी, इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा हो गई, तो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कब देखा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा भैया, ब्रांचिंग, कब, जब मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट होगा तब। बात स्पष्ट हुआ, आइए इसके बाद हम लोग 151 नंबर सवाल पे आते हैं। 151 नंबर सवाल में भैया क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि बताइए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज द सेम हाइब्रिडाइजेशन एज इट्स कंबशन प्रोडक्ट। कह रहे साहब जो इनका कंबशन प्रोडक्ट निकल करके आ रहा है, इसमें बताना है आपको व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैज सेम हाइब्रिडाइजेशन एज इट्स कंबशन प्रोडक्ट CO2। यहाँ देखना जरा ध्यान से भैया, ये इथाइन है, दिखाते हैं हम आपको, यानी कि यहाँ SP है, ये इथाइन है, C2H2 हाइब्रिडाइजेशन SP है। जब आप इसको कंबस्ट कराओगे तो कंबस्शन के बाद ये 2 मोल CO2 में जाएगा और 1 मोल H2O में जाएगा, 2 × 4 = 5, 5/2 मोल ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो इनका जो कंबस्शन प्रोडक्ट है, कह रहे साहब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है सेम हाइब्रिडाइजेशन एज इट्स कंबस्शन प्रोडक्ट। तो यहाँ देखना, कंबस्शन प्रोडक्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है SP, और यहाँ पर भी देखिए क्या हाइब्रिडाइजेशन SP। बात स्पष्ट हुआ, तो इसमें ऑप्शन देखिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम इथेन लेके चलते तो यहाँ SP3 होता, तब यहाँ SP होता, इथिन लेके चलते तो यहाँ SP2 होता, तब SP होता, सेम ना होता, इथेनॉल लेके चलते यहाँ SP3 होता और यहाँ SP तब हो जाता, तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी। तो इसमें आंसर बेटा बी करेक्ट हो जाएगा। 151 का ये भी सही कर लीजिएगा, 151 का देखिए यहाँ से क्या होगा भैया, 151 का आंसर आ जाएगा डी नहीं होगा बल्कि बी हो जाएगा। बात स्पष्ट हुआ, आइए जरा आगे चले भैया, जहाँ करेक्शंस उसको सही करते चलिएगा आंसर शीट में। 150 नंबर में देखें भैया जरा, कहाँ गए 100, 150 नंबर कह रहे हैं द
अच्छा, अब तो आप यहाँ तक तो निकाल ही ले जाएंगे भाई, ये तो सवाल निकाल ले जाएंगे यहाँ तक। क्लियर बात? अब इसमें ऐसा करिएगा, अब हम लोग अगले चैप्टर में प्रवेश करते हैं, ठीक है? क्योंकि इसमें जो जो सवाल आपको फंसा रहेगा आप हमको सवाल भेज दीजिएगा, हम उसको आगे एक्सप्लेन कर देंगे बेटा। तो आइए इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में चलते हैं, प्रवेश करते हैं।